तो गाइस गेस व्हाट, हम जा रहे हैं जी सौरव जोशी से मिलने। यस, ये है जी विल्ला भाई। पूल देखो भाई, डुबकी मार रही है सौरव जोशी ने इसी में ना। ले लीजिए हमने स्टारबक्स की कॉफी। अरे मुर्तजा, पर डे का क्या होगा सर यहाँ पे चार्ज 35K। गेस व्हाट गाइस, कर लो 10 सेकंड देता हूँ मैं, 20 सेकंड देता हूँ। Welcome back to the channel guys and welcome to Goa again. Yes. आज है जी हमारा गोवा में चौथा दिन और अभी सुबह सुबह हम आए हैं जी अपने रिजॉर्ट से बाहर डायरेक्ट बीच की तरफ और ये देख सकते हैं हम सुबह का नजारा। हाय हाय हाय, क्या बात है सर। लकाबाना बीच, इस बीच का नाम लकाबाना बीच है ये, और सामने हमारा रिजॉर्ट लकाबाना रिजॉर्ट। कैसा भाई? यस भाई, कैसा मजा है बीच पे? बीच पे तो कड़क मजा है, लेकिन फोटो नहीं ले रहे मेरी यार। ली तो यार, कब ली भाई? कल से तेरी फोटो, मेरी फोटो किसने ली नहीं यार? तो मेरी तूने 2 फोटो टोटल ली, मेरी वो भी एक उनमें से ब्लर है। और क्या बोल रहा है कसम से यार। आज रील एक बनाते हैं। वाओ, ये रहा जी अपना रिजॉर्ट। ओए होए होए, हमारे आती म्यूजिक बंद कर दिया। चलो कोई बात नहीं। और सामने समुंदर का नजारा। ओए होए, एक बार किया तो यहाँ कुछ गेम चल रही है। This place is beautiful guys, like मैं कैसे बताऊँ उन लोगों को कितना खूबसूरत है ये। ये पेड़ देखो यहाँ से, और यहाँ से सारी छोटी छोटी हट्स रहने के लिए, एक्सट्रीमली ब्यूटीफुल। वाओ, कल सौरव जोशी भी इधर ही था लेकिन तब हम कहीं और थे। लेकिन कल, आज नहीं। हाँ कल, आज होता तो मजा ही आ जाता। पार्टी इधर ही है? हाँ पार्टी इधर ही है कहीं पे। हाँ की स्टोरी देखी थी मैंने। बिस्मिल्लाह। तो गाइस गेस व्हाट, हम जा रहे हैं जी सौरव जोशी से मिलने। यस, क्या बात है जी। हमें उसके विल्ला का एड्रेस मिल गया, उसने स्टोरी में लोकेशन डाली थी, तो हम उधर जा रहे हैं। 17 किलोमीटर दूर है, तो देखते हैं अगर मिला तो बढ़िया बढ़िया बात हो जाएगी। थोड़ा बहुत कनेक्शन बिल्ड करते हैं, उससे नंबर वगैरह लेते हैं। मजाक कर रहा हूँ, देखते हैं अच्छा लगेगा मिल के यार। शायद भाई आपको किससे मिलना है आज? अम्मा से। शायद मेरे को अम्मा बड़ी पसंद है सौरव जोशी की, वो दादी ना और बड़ी फनी लगती है। यार वो कुनाली से मिलना है, वो छोटू। अरे वो तो आया ही नहीं है। वो नहीं आया है? अरे स्ट्रीट सीधा कितना दूर है भाई? 500 meters भाई साहब, पहुंच रहे हैं हम विल्ला पे, पहुंच रहे हैं विल्ला पे। नज़ारे के यहाँ से ना परफेक्ट लोकेशन पे किया है वो, क्या इस बंदे ने एकदम हरियाली। ओ भाई पहुंच गए विल्ला पे। yes. ये है विल्ला? हाँ कसम से, अल्लाह कसम। गाड़ी है नहीं लेकिन उसकी यहाँ पे, गाड़ी पार्क में होगी लेकिन 100% यही विल्ला है, अल्लाह कसम। ये रही जी गाड़ी। गाड़ी अंदर ही है? हाँ पार्क। अरे फिर अंदर ही है? तो अंदर कहाँ घुसेंगे यार, पागल है। दैट्स नॉट गुड। अब क्या करें? उतरो जी। सर जी, गाइस पोपट हो गया, थोड़े से लेट हो गया हूँ। यहाँ पे हमने सिक्योरिटी गार्ड से बात की, उन्हें बोला कि बस 1 घंटा पहले उन्हें ऐसे चेकआउट कर लिया। थोड़ी सी चूक, हल्की सी चूक हो गई। लास्ट टाइम दिल्ली वाटर पार्क में भी हुआ। लास्ट टाइम दिल्ली वाटर पार्क भी वो आए थे, तब भी हम 1 घंटा लेट पहुँचे। बट कोई बात नहीं यार, फिलहाल बढ़िया है। लेकिन अगली बार के लिए जगह डन कर देते हैं इंशाल्लाह। लेकिन फैमिली के लिए ना, 5-6 बंदे होंगे, बेस्ट है ये। देखते हैं इनको, इनको टूर मांगेंगे, तो इनको दिखाओ अंदर से, दिखाओ क्या आपको सीन है। ये है जी विल्ला भाई साहब। अम्मा जी यहीं से आई थी ना। भाई पूल देखो भाई, डुबकी मार रही है सौरव जोशी ने इसी में ना। ये है जी विल्ला भाई साहब। रूम कितने हैं सर यहाँ पर? 4 BHK है। 4 BHK बढ़िया भाई। ये एक बेडरूम है, ये वाला इसके साथ अटैच बाथरूम है। सही इधर,
तीन बेडरूम ऊपर है। बढ़िया यार। सौरव जोशी कितने दिन रुका था यहाँ पे? सौरव जोशी अच्छा 2 दिन। ये जी यहाँ पे मच्छरदानी में एडिट किया पहली बार। बोला आपने देखा था ना कि आज पहली बार मच्छरदानी में एडिट कर रहा हूँ। एक सेकंड सर। ओह भाई साहब क्या व्यू है यहाँ से ना। ट्राई कर सकते हैं पर डे का क्या होगा सर यहाँ पे चार्ज? 35K। हाँ 35। 35,000 पर डे बहुत कम नहीं है। बिल्कुल सर। ओह मेरा देख रहा शायद भाई। बता दी शायद भाई कैसा लगा आपको विल्ला? बढ़िया यार है ना। रेट कसम से अब हम 2 बंदों का तो कोई फायदा है नहीं, लेकिन अगर 4-5 बंदे हो या फैमिली साथ हो तब तो परफेक्ट है। होटल में नॉर्मली यार 5,000 लेते हैं पर नाइट और पूल वगैरह सब बेस्ट। बस और नहीं मिले चलो कोई बात नहीं। फिर अब हम कहाँ चले ब्रो? देखते हैं यार देखते कोई बड़ी सी जगह देखते चलते। उतरो जी यहाँ पे गाइस हमें केएफसी दिख गया तो पहले कुछ खाते हैं फिर चलते हैं कहीं पे। ये सुबह से हमने कुछ खाया नहीं है यार, नाश्ता भी नहीं करा हमने सुबह। हमने कल वो तरबूज लाया था उसी का आधा बचा था वही हमने सुबह खाया। अभी कुछ दबा के खाना थोड़ी बहुत एनर्जी वगैरह आएगी अच्छे से फिर चलते हैं। कहाँ चले यार कुछ समझ नहीं आ रहा यार कहाँ। बीच वगैरह तो यहाँ पर ज़्यादा बीच ही है लेकिन अब बीच कितनी बार जाए हम। 2-3 बीच हमने एक्सप्लोर कर लिया अब देखते हैं यार कहाँ चलते हैं फिलहाल। लेकिन KFC में कुछ खाते हैं बढ़िया सा। ये आ गया जी हमारा पेरी पेरी स्ट्रिप्स। टेस्ट तो कर ले भाई मुंह में डालने के पहले ही तो बहुत ही बढ़िया। आ जा जी एक डब्बा हो गया इससे पेट नहीं भरा तो अब दूसरा मंगा लिया। टेबल शिफ्ट करो। अरे गर्मी से भूख भी बहुत लगती है ना। बड़े ड्राइव खुद कर रहा हूँ यार। भाई सीट इतनी गर्म हो गई यार पानी डाल रहा है। ओ भाई शायद मैंने ठंडा ठंडा पानी डाल दिया। आ जाओ भाई। guess what guys कर लो 10 सेकंड देता हूँ मैं। 20 सेकंड देता हूँ कर लो। 20 सेकंड में गैस कर लो नहीं 5 सेकंड दे रहा हूँ क्योंकि फिर व्लॉग लंबा चला जाएगा। 1, 2, 3, 4, 5 नहीं कर पाए ना गैस। हमने कार की टिकट बुक कर दी भाई। KFC से निकले हम सोच रहे हैं अब कहाँ जाए। बीच हमने सारे देख लिए गोवा में बीच ही है और क्या है। अब सिटी यहाँ से जाना है तो बीच वगैरह सब कुछ देख लिया हमने। अब कुछ बचा नहीं था तो हमने प्लान कर लिया चुपचाप टिकट कर लेते और घर चले जाते हैं। और हमने टिकट करी बुक ऑन द स्पॉट क्योंकि मैंने रिटर्न टिकट बुक नहीं करी थी अभी घर से। मैंने टिकट बुक नहीं करी थी रिटर्न की तो उसी टाइम मैंने टिकट बुक कर दी और ये दी हमारी टिकट। ये रहा एयरपोर्ट और ये रहे हम। फिलहाल हमारी टिकट है दिल्ली की और फिर दिल्ली से श्रीनगर वो कल है। हाँ कल भर दो जी लैपटॉप वगैरह भी निकालना भर दे सारा। उफ जल्द से सिक्योरिटी चेकिंग करते हैं और चलते हैं अपने गेट पे। गेट नंबर 8 है हमारा और करते हैं वेट हमारी बोर्डिंग का। असल में हमारा प्लान था कल जाने का लेकिन अब कोई जगह थी नहीं घूमने के लिए तो हमने सोचा फजूल में गाड़ी का रेंट चल रहा है होटल का भी देना है रात को और खाना पीना भी है तो इसलिए बेहतर है चुपचाप फ्लाइट बुक करते हैं और चलते हैं। तो हमने टिकट बुक कर ली और आ गए जब एयरपोर्ट एकदम इंस्टेंट। और ये एयरपोर्ट बढ़िया दिख रहा ना। पिछली बार हमारा अराइवल हुआ था पुराने एयरपोर्ट पे आज हम नए एयरपोर्ट पे आए हैं। क्या नाम है इसका? मोपा एयरपोर्ट। ये बढ़िया यार नया नया बनाया है ये ज़बरदस्त। बट ये फ्लाइट वगैरह से मुझे याद है आपने सर मुझे रोज़ मेल कर रहे होते हैं मैसेज कर रहे होते हैं बहुत सारे कि भाई आप अपनी फ्लाइट्स कहाँ से बुक करते हो। रिसेंटली माशाल्लाह मैं उमरा पे भी गया था तब भी आपने से बहुत सारे ने मेल किए थे कि भाई आपने पैकेज कहाँ से ली कैसे क्या किया। तो मेरा ना एक दोस्त है जो इसी बिजनेस में है फ्लाइट्स वगैरह बुक करता है इसी सब में डील करता है वो। तो अगर आप में से भी कोई मतलब उमरा के लिए जाना चाहता है माशाल्लाह या फ्लाइट्स वगैरह का कोई भी सीन है तो मैं नीचे है ना नीचे मैं ये वीडियो में नंबर उनका मेंशन कर दूंगा उनकी डिटेल्स में हाँ डिस्क्रिप्शन में मेंशन कर दूंगा नंबर वगैरह उनका सारा कुछ। तो आप लोग कॉन्टैक्ट कर सकते हो बढ़िया जेन्युइन से जेन्युइन रेट
आपको मिलेगी, और अगर नहीं मिली तो आप मुझे मैसेज कर देना, उसकी टाइम मैं खुद करूँगा क्योंकि दोस्त है मेरा, तो हाँ बेस्ट रेट्स देता है वो। तो यस सर, हमारा गेट कहाँ है? गेट हमारा उस साइड से है भाई। स्टारबक्स ट्राई करें? मैं कभी नहीं किया है, हमेशा प्लान करता हूँ यार, देखते हैं क्या होती है स्टारबक्स की, क्या इतनी महंगी क्यों, कैसे क्या टेस्ट है, करें कभी मौका नहीं मिला। करें ठीक है, टाइम है हमारे पास आज 2.5 घंटे, अभी टाइम है यार, देखते हैं यार आज इतनी महंगी है तो क्यों है। और नाम वगैरह लिख के देते ना कब पे? सेम या एजेंट फ्लेवर? नो, वैनिला। लेट्स ट्राई। नेम शाहिद। थैंक यू सर। थैंक यू सो मच। ले लीजिए हमने स्टारबक्स की कॉफ़ी। क्या बात है, मेरा नाम किधर है भाई? अरे मुर्तजा। ऐसा ही है, मैंने जैर के पहले जे लिखा है इसने, बट कोई बात नहीं यार, माफ़ कर देते हैं, मुर्तजा ही सही है। इसने कॉफ़ी दी कैसी है? गर्म होगी, गर्म होगी आराम से। ओ पागल है, दिमाग नहीं। सही है, नॉर्मल कॉफ़ी ये तो है। क्या मतलब, क्यों हेल्प है, क्यों? 800 रुपये की 2 कॉफ़ीज, लेकिन नॉर्मल ही है, मुझे कुछ खास पता नहीं। सिंपल है यार, सीधी सादी कॉफ़ी जो होती है वही है, अब बस ये नाम वगैरह का हाइप रहता है यार। ये रहा जी हमारा गेट, आ जाओ भाई। हाय, क्या इंप्रेशन जमा रहा है लौंडा, फाइनली बोर्डिंग स्टार्ट हो गई गाइस, लेट्स गो। कोई मसला नहीं, कीजिए कीजिए आप, ये देखिए चुचंदर लोगे, इनका इसी में मज़ा है भाई। इसमें क्रीम बच रही है, ये निकल नहीं रही है ऐसे, तो उंगली से निकल। ये लो, इनका इसी में मज़ा है, वो रियल है ना, ये आपको एयरपोर्ट पे देखने को मिलते हैं ऐसे चुचंदर लोग। गैटिन गैटिन गैटिन, पहली बार अकासा यार से ट्रैवल कर रहे हैं ना? हाँ। अच्छी है, नाइस। नहीं नहीं है, नहीं नई एयरलाइन है अकासा एयर। नाइस, बढ़िया है दिखने में। अरे यार शिट, रिस्क लेना पड़ेगा गाइस। अभी हम लूडो खेल रहे हैं जी प्लेन में, 2.5 घंटे की फ्लाइट है तो टाइम पास। यस, जीतने वाला हूँ मैं अभी तो। जीत गया भाई साहब। क्या विचार है आपके? हवा में आपको हरा दिया मैंने। मैंने भी तो तीन लिए यार। तीन लिए से मतलब नहीं है, जीता किसने उससे मतलब है, वो भी हवा में हरा दिया। वेलकम टू दिल्ली गाइस, दिल्ली एयरपोर्ट पहुंच गए। शायद भाई किधर है? हाँ जी, एकदम प्रीमियम फ्लाइट थी है ना। हाँ यार एग्जैक्टली, मैं ही बोलने वाला था आज तक मैं जितनी एयरलाइंस के साथ भी ट्रैवल किया है ना, अकासा वाज द बेस्ट, मतलब इज द बेस्ट, अभी तक की बेस्ट एयरलाइन लगी मुझे। अरे भाई नहीं, वो बात है, बोल पहले बस पे चढ़ो, बस मिस हो जाएगी। फाइनली गाइस लगे जा रहा है। अरे भाग गया, अरे भाग गया, भाग गया, लगेज भाग। क्या बात है सर, बड़ा ही मुश्किल था इसको ढूंढना। अभी आप किधर चले? अभी अभी यार भटकते हैं दिल्ली की सड़कों पे। मतलब हाँ, मैं बोला था अकासा एयर के बारे में यार, मतलब बेस्ट फ्लाइट एक्सपीरियंस था यार, मतलब कसम से, एकदम प्रॉपर सीटिंग, लेग स्पेस अच्छा, खाना बढ़िया, लाइटिंग वगैरह सब एक नंबर, मजा आ गया। खैर अभी आप इस व्लॉग करते हैं, अगर आपको ये व्लॉग पसंद आया हो फॉरवर्ड लाइक, वी विल सी यू सम अदर डे, टिल देन गुड बाय, अस्सलाम वालेकुम। आगे का हमारा क्या प्लान रहता है वो आप अगले व्लॉग में देखना, बाय बाय गाइस। हेलो गाइस, अभी हम पिछले 1 घंटे से होटल ढूंढ रहे हैं दिल्ली में, होटल मिल नहीं रहा है मनपसंद का। कोई होटल अच्छा होता है तो उसमें रेटिंग बहुत ज़्यादा होती है, और कोई होटल गंदा होता है तो उसमें रेटिंग कम होती है। I would talk about his chair.